रक्तदान सेवा परिवार रामपुर की ओर से पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, कॉलेज के छात्रों और स्थानीय व्यवसायियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसका शुभारंभ तहसीलदार रामपुर विपिन ठाकुर ने किया और DSP रामपुर अभिमन्यु वर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रक्तदान सेवा परिवार की टीम ने बताया कि अक्सर कई मौकों पर चिकित्सालयों में गरीबों को खून ना मिलने से जान गंवानी पड़ती है, या फिर ऐसे भी मौके आते हैं जब रक्त की कमी से कई अनमोल जानें खतरे में पड़ जाती हैं। इसलिए शिविर लगाकर रक्त एकत्रित किया जा रहा है और लोगों को भी रक्तदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है, ताकि लोगों में रक्तदान के प्रति सजगता बढ़े। रक्तदान सेवा परिवार के अध्यक्ष आत्माराम ने बताया कि पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए सैनिकों को रक्तदान में सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कई मौकों पर गरीब और साधनहीन मरीज चिकित्सालयों में बिना रक्त के संकट में पड़ जाते हैं, वे लोगों को जागरूक कर रक्तदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मैं आत्माराम के दाड़ा अध्यक्ष, रक्तदान सेवा परिवार जो हमने यहाँ गठित किया है उसके माध्यम से यहाँ रामपुर में तीसरा शिविर लगा रहे हैं। यहाँ शिविर लगा है, सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है, पुलवामा में जो हमारे फौजी भाई 42 मारे गए थे दुर्घटना में कहें या आतंकवादियों के शिकार हुए थे, उस उद्देश्य को लेकर के अपने लोग जो है बड़ी खुशी से खून यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। हम जो उन गरीब परिवारों का साथ देना जो यहाँ पर खून की कमी की वजह से अपना इलाज नहीं करवा सकते, उसके इलाज में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए हम इस शिविर का आय करते हैं यहाँ पर, और हम ब्लड बैंक को जो है वो अपना यहाँ से रक्तदान दे देते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। DSP अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि समाज को हर समय रक्त की आवश्यकता रहती है, इसलिए रक्त का दान महादान समझा जाता है और लोग लड़ाई झगड़े में एक दूसरे का रक्त बहाते हैं, उससे अच्छा है कि रक्तदान करें ताकि किसी संकट में फंसे लोगों को इसका लाभ मिल सके। हम जो लड़ाई झगड़े में एक दूसरे का रक्त बहाते हैं उससे अच्छा है कि हम रक्त दान करें, और जो किसी न किसी के काम आता है, और ये निस्वार्थ सेवा के लिए मैं इन सब लोगों का जो रक्तदान आज कर रहे हैं उनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।